गुड आफ्टरनून एवरीवन। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट एसिड, व्हाट आर द एसिड, एसिड क्या होते हैं, टाइप ऑफ एसिड डिस्कस किया। ओके, टाइप ऑफ एसिड मींस बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन, देयर आर फाइव टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिकली पांच कैटेगरी वाइज से हमने एसिड को डिवाइड किया। फाइव कैटेगरी कौन कौन से हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेसिस पर। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट ऑन देम। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक एसिड या आयनाइजेशन। फोर्थ है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। फिफ्थ है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी। ओके, ये आपके फाइव कैटेगरी हैं जिस कैटेगरी के बेस्ड पर आपने एसिड को कैटेगराइज किया या सर क्लासिफाइड किया। ओके, सो यस बोलो बेटा, एनी प्रॉब्लम? सर शायद ये नहीं सिखाया, मतलब या फिर मैं नहीं होऊंगा उस लेक्चर में, आई गेस। लास्ट लेक्चर मैंने ये नहीं बताया था? अच्छा, एसिड बेस में देखो, ये आपका ही है ना सर एसिड बेस। मेरा तो लास्ट वाला लिखा हुआ वो गोल्डन रूल, कोवेलेंट बॉन्ड, वो सब है। तो तुम लास्ट लेक्चर में आए नहीं है तुम शायद, जो इससे पहले वाला लेक्चर हुआ ना उसको तुमने ज्वाइन नहीं किया होगा। ये शायद तुम लोगों को ही पढ़ाया मैंने, टार्टरिक एसिड वगैरह ये तुम लोगों को ही बताया मैंने। अच्छा एवरीवन, श्रावणी, रसाली, यशराज, कंफर्म करो बेटा। पाटिल, तानिया, गौतम, संस्कार, सर ये सिखाए हैं। सिखाया ना मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को? हाँ यस सर। गुड, तो लास्ट क्लास तुमने अब्सेंट किया बेटा। ओके, तो रिकॉर्डिंग जाके देखना और पीडीएफ भी ओके आपको सर। मिल जाएगा, पीडीएफ भी ग्रुप पे देखना। ओके, मिस किया होगा। ओके चलिए यहीं पर देख लेते हैं। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस सम बेसिक टाइप ऑफ एसिड्स जो आपके नॉर्मल लाइफ में यूज होते हैं। एंड इस चैप्टर में हमको क्या क्या डिस्कस करना था, ये कैटेगरीज थी, ये सारी चीजें हमको डिस्कस करनी थी। एसिड, एसिड डिस्कस करना, क्लासिफिकेशन, यूज ऑफ एसिड, जनरल प्रॉपर्टीज, बेस, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड यूजेस ऑफ एसिड, फिर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड क्या होता है, उसका कंडक्टिंग नेचर क्या है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, रोल ऑफ वाटर ऑन द एसिड, आपका एसिड में वाटर का क्या रोल होता है, इंडिकेटर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, पीएच स्केल क्या है, सॉल्ट एंड इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। ओके, तो ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ओके, अभी तक हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, ये थ्री पार्ट वी हैव डिस्कस टिल नाउ। ओके, एसिड डिस्कस किया, एसिड क्या होते हैं, एसिड वो चीज होते हैं जो आपका एक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस आयन देते हैं। ओके, एंड क्लासिफिकेशन है मैंने बताया, क्लासिफिकेशन के फाइव टाइप्स होते हैं। ओके, फाइव टाइप्स, नंबर वन है ऑन द बेसिस ऑफ दिस सोर्स, सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट ऑन देम, थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, फिफ्थ है आपका वोलेटिलिटी। ओके, हाँ फिफ्थ आपका वोलेटिलिटी, ये सारी चीजें हम लोग को डिस्कस कर चुके हैं द लास्ट लेक्चर। ओके, फिर हमने देखा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमने देखा इफेक्ट ऑन स्किन, अगर स्किन पर आपका एसिड गिर जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। एंड नेक्स्ट, अच्छा यहीं तक देखे हैं इफेक्ट ऑन एसिड, ये पॉइंट आपको प्रॉपर्टीज का, जनरल प्रॉपर्टीज का आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट यहाँ तक हो गए थे, फोर्थ पॉइंट हमको डिस्कस करना है जनरल प्रॉपर्टीज का। ओके, टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द फोर्थ पॉइंट ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा, फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप की रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, फिजिकल आई थिंक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया, जो केमिकल रिएक्शन है मोस्टली हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द फोर्थ नंबर बेसिकली इन दिस कैटेगरी इफ यू राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ करेंट, इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट किस पर इफेक्ट देख रहे हैं बेटा? एसिड। एसिड पर। वेरी गुड। ओके, ये सर आपको मिनरल एसिड गुड कंडक्टर होते हैं ना? हाँ भी सारी चीजें पता लग जाते हैं। जो एक्वस सॉल्यूशन में मिनरल एसिड होते हैं गुड कंडक्टर। ऑल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऑल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स एसिड या मिनरल एसिड एसिड्स आर गुड कंडक्टर, राइट? यस ऑफ सर। इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सर फिर विनेगर वगैरह भी गुड कंडक्टर होंगे? विनेगर आपका प्योर, उसमें एसिड होता है क्या? विनेगर आपका मिनरल एसिड है। विनेगर में होता क्या? कौन सा एसिड होता है बोलो बेटे? एसिड। एसिटिक एसिड एसिटिक। क्या मिनरल एसिड है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ना बताओ ये क्या मिनरल एसिड है? नहीं सर लेकिन अभी भी थोड़ी तो कंडक्ट ऑर्गेनिक। करेगा ना, क्योंकि इट हाँ डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, बट इट हाँ डिसोसिएट्स एटलीस्ट पार्शियली। हाँ पार्शियल डिसोसिएट होगा, लेस देन 30% से डिसोसिएशन होगा। ओके, तो थोड़ा सा कंडक्टर होगा बट गुड कंडक्टर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, नाउ जब ये गुड कंडक्टर होते हैं तो व्हेन दे डिकम्पोज विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड। कैथोड पर ये हाइड्रोजन डिकम्पोज करते हैं। यहाँ पर लिख लो डिकम्पोज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड। कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है? लेट से आपके सामने एसिड है, मिनरल एसिड, लेट से मैंने ले लिया HCl, राइट? ओके, HCl का अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसने बोला एक्वस सॉल्यूशन में HCl क्या होता है? गुड कंडक्टर होंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा? H+ निकलेगा इसमें और Cl नेगेटिव होगा। RCL ओके, नाउ जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो H+ और Cl नेगेटिव में तो ये डिसोसिएट हो गया आपका स्टार्टिंग में। ओके, नाउ किसी भी चीज में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट में आपके दो नोड्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, राइट? उसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसको हम लोग कैथोड बोलते और एनोड। हैं कैथोड और एनोड, राइट? गुड। कैथोड कैसा चार्ज होता बेटा? नेगेटिव। कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होगा और एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिव। तो आप जानते हो जो चीज नेगेटिवली चार्ज होती है वो पॉजिटिव को वो अट्रैक्ट पॉजिटिव करेगी। अट्रैक्ट करेगा ओके, तो ये H+ आयन किस पर जाएगा? कैथोड पर। कैथोड एच पर। प्लस आयन कैथोड पर जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 बना लेगा, राइट? ओके ओके, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है ना? यस। सिमिलरली जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव कहाँ पर जाएगा बेटा? एनोड पे। एनोड एनोड। पर जाएगा। तो ये Cl नेगेटिव हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन माइनस होकर के किसमें जाएगा? Cl2 में कन्वर्ट। Cl2 में। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ये Cl2 में कन्वर्ट। तो जनरली हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस मैंने क्यों लगाया बेटा? ये माइनस साइन माइनस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा और यहाँ पर प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा? सर वहाँ वो यानी टर्मिनल पे जाके अपना अपने दो यानी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और यस फिर वही इलेक्ट्रॉन जाके H+ एक्सेप्ट करते हैं।
यस वेरी गुड ओके। तो टर्मिनल पर जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो बेसिकली अगर आपको कभी बैलेंस करना है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस साइन से डिपेंड करता है और ये नेगेटिव चार्ज इस साइन पर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए होंगे, राइट? प्लस करना पड़ेगा, समझे? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो अगर इसको ऐसे ना लिख करके हम लोग यहाँ पर प्लस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। हाँ ओके, इस चीज को यहाँ से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो दोनों कैटेगरीज हैं, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। तो बेसिकली समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि चाहे कोई सा भी एसिड हो, अगर इलेक्ट्रिक करंट वहां पर पास हो रही है उस एसिड में, तो वहां पर एच पॉजिटिव तो निकलेगा ही निकलेगा, बिकॉज एक्वस सोल्यूशन में होगा, तो कंडक्टर है ना, वो एच प्लस निकला। और जब एच प्लस निकलेगा तो वो कैथोड के पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा तो वो एच टू एच निकलेगा। यहीं पर वही चीज लिखी है, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड, समझे? डिकम्पोज हो जाते हैं, राइट? यस ओके गुड। नेक्स्ट आपका फोर्थ हो गया। फिफ्थ है मेटालिक जो आपके ऑक्साइड होते हैं। अभी यहाँ पर चलते हैं हम लोग ऑक्साइड के बारे में, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं या मेटल के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड कौन से होते बेटा? Na2O, फिर वेरी गुड, CaO, MgO. जो आपके मेटल्स होते हैं, ऑल ऑक्साइड ऑफ ऑल मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके बेटा सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो ऑल मेटल ऑक्साइड विथ डाइल्यूट मिनरल एसिड एसिड क्या बनाएगा आपका? सॉल्ट एंड वाटर रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस वाटर। क्या इस लैंग्वेज को आप समझ पा रहे हो ऑल ऑफ यू? बोलो, हाँ लैंग्वेज सर समझ पा रहे हो? ऑल मेटल ऑक्साइड जितने भी हैं, यहाँ पर एस लगा लो, डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएंगे प्लस वाटर बनाएंगे। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल होगा आपका, लेट से सोडियम ऑक्साइड है आपका, प्लस रिएक्शन करता है किससे? HCl से, दैट इन डाइल्यूट कंडीशन क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? NaCl plus H2O. यस, NaCl H2O NaCl प्लस H2O, 2H2O करना पड़ेगा, यहाँ H2O हो जाएगा सिंगल, यहाँ पर 2HCl लगाना पड़ेगा, राइट? क्लियर है? हाँ, NaCl. 2NaCl। नाउ सेम आपका अगर हम लोग रिएक्शन करा दें विथ HNO3, डाइल्यूट क्या फॉर्म होगा? बोलते जाओ जल्दी से। एंड सेम रिएक्शन अगर हम, NaNO3 वेरी NaNO3 और गुड। H2 नाउ नेक्स्ट रिएक्शन H2SO4 के साथ कॉपर सल्फेट एंड नहीं सर ये हो गई नहीं कॉपर हो गए नहीं रिएक्शन? इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कॉपर लेस रिएक्टिव है बट कॉपर ऑक्साइड नहीं है ना। सर CuSO4 प्लस H कॉपर अकेला होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है बेटा, समझो बात को। हाँ मेटल होगा तो नहीं होगी. हर्ष समझ में हाँ आया? सर हाँ समझ में सर आया, गुड। ये सारे डाइल्यूट कंडीशन में एसिड है, ओके, ये ध्यान रखना।
ओके क्लियर है, मेटल ऑक्साइड क्लियर, गुड। नेक्स्ट है आपका मेटल हाइड्रोक्साइड, पॉइंट नंबर 6। मेटल हाइड्रोक्साइड, नाउ टेल मी क्या होगा मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। सर वाटर और मिनरल सॉल्ट देगा। ओके सेम रिएक्शन होगा, ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस डाइल्यूट मिनरल एसिड रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस H2। राइट, सेम रिएक्शन है। अभी आप बताओ मुझे यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, NaOH प्लस HCl Cu OH होल ट्वाइस प्लस H2SO4 सर CuSO4। पहले यस वाले में NaCl+H2 होगा क्या? ओके ओके क्लियर है ना, समझ में आया, गुड। तो और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बट अभी इतना काफी है। दो एग्जाम्पल आपको सिंगल के लिए समझ में आ जा रहा होगा क्या क्या हो रहा है। ओके नेक्स्ट है यहाँ पर, अच्छा ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड पॉइंट नंबर 7, कार्बोनेट पे चलते हैं। रिएक्शन विद मेटेलिक कार्बोनेट्स और मेटेलिक नहीं कर रहे यहाँ पर, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है? हाँ 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 सर, क्या रिएक्शन होगा बोलो। सेम रिएक्शन, रिस्पेक्टिव सेम होगा सॉल्ट। सर, सॉल्ट सेम रिएक्शन, वाटर और सॉल्ट कार्बन वाटर, डाइऑक्साइड। यस यहाँ पर सेम रिएक्शन होगा, आपको CO2 एक्स्ट्रा बन जाएगी। ओके क्या बनेगा प्रोडक्ट, CO2 डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ओके डायरेक्टली यहाँ पर प्रोडक्ट हेडिंग लिख करके, ओके मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। राइट CO2। हाँ चलेगा ना, समझ पा रहे हो ना आप लोग। हाँ यस सर। ओके सर वो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब वो स्लेक लाइम वगैरह, स्लेक यस हाँ लाइम वो सारी रिएक्शन है रिएक्शन, ना, सेम हाँ है। सेम। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, K2CO3 प्लस HCl डाइल्यूट एसिड होना चाहिए बेटा, फिर भी यहाँ पर कंडीशन है। ओके कंडीशन क्या है, एक्शन विद मेटल डाइल्यूट एसिड यहाँ पर भी होना चाहिए। ओके तो लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं हो सकता? कॉन्सेंट्रेट के साथ बेटा रिएक्शन थोड़ा सा अलग होती है, उसके लिए हम लोग अलग देखेंगे, मैं अलग से बताऊंगा। कॉन्सेंट्रेट में प्रोडक्ट तो आपका सॉल्ट ही बनेगा, बट कुछ और भी प्रोडक्ट बन जाते हैं आपके, लाइक SO2 बन जाएगा अगर H2SO4 है तो। ओके तो कुछ अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं कॉन्सेंट्रेट के साथ, तो उसके लिए हम लोग अलग से देखेंगे जब एसिड वगैरह हम लोग तो मतलब उसका पर्टिकुलर अलग चैप्टर है क्या? चैप्टर नहीं है, पर्टिकुलरली जब उस
एसिड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो उस एसिड की हम लोग सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, अलग चैप्टर नहीं है, ओके उस सर। अलग चैप्टर आपका 11th में अलग चैप्टर हो जाता है, 11th में सर कौन सा वाला? एचक्यूएसक्यू। 11th में जब आप आओगे तो 11th में आपका चैप्टर होगा पी ब्लॉक में, आप जब पढ़ोगे तो वहां पर ऑक्सीजन फैमिली आता है, ऑक्सीजन फैमिली में आपके H2SO4 देखेंगे, तो H2SO4 पर्टिकुलरली वहां पर सारे एसिड हो जाते हैं, लाइक HNO3। अभी आप HNO3 आपका नाइट्रोजन फैमिली में आएगा, जैसे HNO3 है आपका, तो नाइट्रोजन फैमिली में N वाले सारे एसिड आ जाएंगे, ऑक्सीजन फैमिली में आपके ऑक्सीजन और सल्फर वाले एसिड आ जाएंगे आपके, और क्लोरीन फैमिली में आपके Cl वाले एसिड आ जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर एसिड होगा, उस एसिड की हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे, उस एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उस एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उस एसिड की डाइल्यूट कंडीशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे, कंसंट्रेट प्रॉपर्टीज देखेंगे, वीक कब काम करता है, स्ट्रॉन्ग कब काम करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या रिएक्शन करता है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम इस एसिड के अंदर देखेंगे। सेम कहानी आप जो आपका H2SO4 वगैरह होता है, H2SO4 वहां पर हम देखेंगे, सेम कहानी हम लोग Cl वाले एसिड की तरह देखेंगे, समझे, क्लियर है ना? तो जो भी डिटेल्स यस में ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी हम लोग वहां पर देखेंगे। हाँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर कहीं पर आती है तो मैं बताता हूँ आपको कंसंट्रेट के साथ क्या रिएक्शन करेगी। ओके, चलिए, तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होगा आपका, यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, KCl तो सबसे फर्स्ट है, प्लस H2O प्लस CO2, बैलेंस सी कर ओटू लेना आप लोग, बैलेंस कर पाओगे ना, KHCO3 रिएक्शन कर रहा है विद HNO3 के साथ, आपका कंपाउंड बनेगा के NO3 प्लस H2O H2CO2 CuCO3 H2SO4 कंपाउंड बनेगा CuSO4 प्लस H2CO2, क्लियर है? चलेंगे, ओके। नेक्स्ट आपका है पॉइंट नंबर 8। सर। यस, सर आज का क्लास 4 o'clock तक है ना? हाँ 4 o'clock तक। हाँ ओके सर, मैं लेट ज्वाइन किया था इसलिए। ओके, एक्शन विद जो आपका मेटल सल्फाइड, हाँ सॉरी मेटेलिक सल्फाइड लिख लेते, मेटेलिक सल्फाइड और सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, मेटेलिक हाइड्रोजन सल्फाइड्स। ओके, सर हाइड्रोजन सल्फाइड भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ, पहले बताओ सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, SO3। SO3 होता है डबल नेगेटिव, ये सल्फाइड होता है, और इसमें H लगा दो SO3 सिंगल नेगेटिव, ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, जस्ट लाइक CO3 डबल नेगेटिव होता है ना, आपने HCO3 लगा दिया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये कार्बोनेट है, समझ गए? सेम टू हाँ सेम सर, है, सेम रिएक्शन यहाँ पर भी होने वाली है। क्या रिएक्शन होगी, मैं आपको डायरेक्टली रिएक्शन लिख के बताता हूँ, तो रिएक्शन वो होगा सल्फाइट है क्या? क्या, सल्फाइड, पी एच हाँ आई मुझे टी, लगा सल्फाइड ही, सल्फाइड सल्फाइड है। नहीं है, टी है, टी है, T43, हाँ मैंने गलती से वो लिखते समय ही गलत लिखा है नोटबुक के में। टू एस ओ थ्री प्लस HCl, आपका प्रोडक्ट बनेगा KCl प्लस प्लस H2O H2O प्लस प्लस SO2। SO2। ओके, सिमिलरली यहाँ पर KH SO3 HCl कंडीशन डाइल्यूट लिख लो, KCl H2O SO2 CU
SO3 बिल्कुल, H2SO4 था ना ऊपर, H2SO4 करो, C2SO4+ H2O+ SO2। नाउ कैन यू टेल मी ये वाला S किधर गया, इधर आया ना। ओके, और ये वाला SO4 इधर पर आया, समझ गए ना? गुड। तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद अच्छा चलो सल्फाइड आपको बात कर रहे थे ना, सल्फाइड भी लिख लेते हैं। ओके, सल्फाइड सल्फाइड, अभी सल्फाइड आया बेटा, सल्फाइड। ओके, यहाँ पर आपका मेटल सल्फाइड भी हो सकता है और मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है। ओके, दोनों होंगे, मेटल सल्फाइड और मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड। अभी आप बोलोगे सर हाइड्रोजन सब जगह आ जाता है, हाँ इधर भी आ गया हाइड्रोजन सल्फाइड, तो उसका काम ही यही है, कहीं पर एक बैलेंस ही दिख जाए आराम से फ्री होके सेट बैठ जाए, फिट हो जाता है बिकॉज साइज भी छोटा है। ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन लिखो डायरेक्टली, K2S मेटल सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड? मेटल सल्फर HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट क्या बनता है? HCl प्लस देखो। H2S। ओके, K H S ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, राइट? HCl हाँ के साथ रिएक्शन करेंगे, HCl केसीएल प्लस पहले H2S। नेक्स्ट CuS प्लस H2SO4 क्या बनेगा? CuSO4 प्लस H2S। तो इस रिएक्शन में आपका क्या बनने वाला है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट में बनने वाला है। याद रहेगा प्रोडक्ट से, रिएक्शन से याद रहेगा ना, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? हाँ रेस्पेक्टिव सॉल्ट हाँ प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, क्लियर है ना? चलिए एक और लिख लीजिए, अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होगा? वैसे मेटल के साथ आपको पता है, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर सोडियम प्लस HCl तो आप बता सकते हो क्या बनेगा? H2 NaCl बता सकते हो ना? plus H2 यस, वेरी गुड। ओके, तो ये सारी कहानी है। तो सर, आपने लेकिन वो नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं फॉर्म करता, नहीं कौन सा? नाइट्रिक एसिड के साथ फॉर्म करता। नहीं फॉर्म करता, हाँ, वेरी गुड। नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सी मेटल फॉर्म करती है? वेरी मैग्नीशियम और मैंगनीज गुड। ओके, कभी बताया क्या मैंने? नहीं, स्कूल कहीं पर पढ़ा क्या? गुड में। गुड। ओके, HNO3 के साथ ये मेटल आपकी रिएक्शन फॉर्म करके H2 गैस फॉर्म करेंगी, बाकी कोई भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्शन करके H2 गैस फॉर्म नहीं करता, बिकॉज HNO3 बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो अच्छा ये बताओ, अगर आपका एल्यूमिनियम रिएक्शन करे या आयरन रिएक्शन करे किसी भी एसिड से, तब क्या फॉर्म होगा? रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस H2 गैस, राइट? हाँ ओके, यहाँ पर लिख लो, मेटल के साथ रिएक्शन क्या होगा? देखो, मेटल के साथ रिएक्शन थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। चलो इसको अभी आप ज्यादा नहीं डिटेल्स में जाते हैं हम लोग, सिंपल याद रख लो, कोई सी भी मेटल हो और आपके पास डाइल्यूट एसिड होगा। ओके, एक्सेप्ट
HNO3। ओके, क्या प्रोडक्ट बनेगा? रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिव गैस। सॉल्ट प्लस H2 गैस। यहां पर नोट डाउन करना, इसके लिए MN और MG ही मेटल है जो HNO3 के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देता है। इस HNO3 के साथ रिएक्शन करके, बाकी यहाँ पर आप कोई सा भी एसिड ले लो, बाकी यहाँ पर आप कोई से भी मेटल ले लो। हाँ, ऐसा नहीं कि आप अनरिएक्टिव मेटल ले लो, लाइक हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल ले लो, कॉपर तो नहीं होगी रिएक्शन, समझे? रिएक्टिविटी सीरीज से ऊपर होना चाहिए। हाइड्रोजन से एबव द हाइड्रोजन, ये जो मेटल है आपकी हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी ये वाली। समझे कि नहीं बेटा? कॉपर लेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली। क्लियर है? हाँ सर। गुड। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे या फिर आपको आता है ये रिएक्शन? आई सपोज कि आपको आता होगा, सब लोग बोलो आता है या नहीं। सर यस बोलो। सर यानी अगर हमने कैल्शियम को HNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो हाँ फिर कौन यानी नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो कैसे पता चलेगा? अच्छा, ओके। इसके लिए बेटा HNO3 की बहुत सारी रिएक्शंस होती है। HNO3 किस कैटेगरी में रिएक्शन करता है? उसका 10% अलग होता है, 20% अलग होता है। अगर चलो HNO3 की मैं आपको रिएक्शन लिखा देता हूँ, ओके। HNO3 की रिएक्शन आप लोग लिख लो, वो सही रहेगा, बिकॉज आप लोग को डाउट आता ही रहेगा। नहीं तो यहाँ पर HNO3 लिखना, ओके। ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, बट आगे आपको पढ़ना ही है ये चीज, ओके। तो ऐसा बाहर भी मत समझो कि सिलेबस से आउट है, आगे ये सब चीजें आपको देखना ही है, ओके। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना, ओके। HNO3 यहाँ पर लिखो। HNO3 की जो रिएक्शंस होती हैं, पहले समझो, HNO3 की रिएक्शंस अगर मेटल के साथ करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। आप एक टेबल बना लोगे तो अच्छा रहेगा। मैं टेबल बना देता हूँ, यहाँ पर ब्लैक कलर से बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखो आप वेरी डाइल्यूट कंडीशन, वेरी डाइल्यूट। कितना डाइल्यूट होगा बेटा? अगर उसको वेट बाय वॉल्यूम हम लोग लेंगे तो वो लेस देन 1% आना चाहिए, समझे? कंसंट्रेशन उसका इतना होना चाहिए, ओके। इस कंडीशन में अगर ये रिएक्शन करती है MN के साथ, राइट, यहाँ पर MN और MG के साथ रिएक्शन होती है तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? H2 गैस निकलेगी, ओके। क्लियर है ना? कंडीशन याद रखना, वेरी डाइल्यूट HNO3 चाहिए आपको यहाँ पर, जो ऊपर रिएक्शन लिखी यहाँ पर, वेरी डाइल्यूट HNO3, राइट, ओके। नाउ आई थिंक ये चीज क्लियर है। अगर रेस्ट मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे कोई भी आपकी हो, तो रेस्ट आर इवॉल्व H2O। क्यों H2O? H2O की फ्यूम्स निकलती हैं, बिकॉज एज HNO3 इज
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अगर कोई और मेटल करते हैं तो सीधे H2O निकल जाता है और बहुत से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बन जाते हैं। अच्छा, जिंक के साथ रिएक्शन क्या होता है ये भी याद कर लो। अगर जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा आपका NH4NO3 कंपाउंड बनेगा, राइट। इसका मीनिंग समझ रहे हो आप लोग? जिंक के साथ, ऐसा नहीं है कि जिंक के साथ ये रिएक्शन हो जाती है, इसका एक्चुअल मीनिंग है जिंक प्लस HNO3 अब रिएक्शन करेगा तो आपका NH4NO3 कंपाउंड बनेगा, ZnNO3 कंपाउंड बनेगा और आपका H2 बनेगा। ये कंप्लीट रिएक्शन है। तो ये तो आप दोनों जानते हो, ये चीज नहीं जानते हो ना, तो मैंने ये चीज यहाँ पर लिख दी, राइट। क्लियर है ना? हाँ समझ? सर, गुड। यस सर। ओके, सर वो रिएक्शन फिर से लिख सकते हो क्या? अभी कौन सी? अच्छा वो ZN और HNO3 की। लो, ठीक है, क्लियर है? चलो लिखा रहने दो, मैं इरेज नहीं करता हूँ। ओके, अच्छा, कंसंट्रेट एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? कंसंट्रेट इसमें और भी आपके कंपाउंड निकल सकते हैं। ओके, इसमें आपके, चलो मैं बताता हूँ कंसंट्रेट के साथ क्या रिएक्शन होगा। चलिए, अभी हम लोग लिखते हैं, ये तो आपका वेरी डाइल्यूट हो गया। सेकेंड कैटेगरी में चलते हैं, जब नॉर्मल डाइल्यूट हो, नॉर्मल डाइल्यूट, डाइल्यूट कंडीशन में इसमें वेट बाई वॉल्यूम less than 20% आता है। क्लियर है? समझ में आया? और ये वाली कैटेगरीज की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइव स्टार मार्क कर दिया मैंने। क्लियर है? या ये याद कर लेना बेटा अच्छे से। इसमें कौन कौन से मेटल्स आती हैं? मेटल्स हैं आपकी Ag, HG, PB, CU, FE, सॉरी, हाँ, ZN और फिर आपका SN, राइट। क्लियर है? पॉइंट सर ये पॉइंट फिर से बताओगे क्या? ये है डाइल्यूट कंडीशन। डाइल्यूट कितना होना चाहिए? वेट बाई वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन होता है वो आपका less than 20% होता है। तो इसमें ये सारी मेटल रिएक्शन करके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाती हैं। वो कंपाउंड क्या बनाती है मैं आपको लिखता हूँ। ये मेटल्स आपके कंपाउंड्स बनाती हैं, क्या बनाती हैं देखो, यहाँ पर NO2 गैस निकलेगा, NO2 गैस इवॉल्व होगी प्लस मेटल नाइट्रेट बनेगा, प्लस मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट मींस AgNO3 बन जाएगा या HgNO3 बन जाएगा, PbNO3 बन जाएगा, CuNO3 वोल्टाइज बन जाएगा। समझे? क्लियर है? यस सर। गुड। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में है आपका N2O गैस निकलेगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है समझ लो बेटा, और आपका मेटल नाइट्रेट तो बनना ही है, समझ गए? हाँ ओके, इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका कंपाउंड होगा NH4NO3 प्लस मेटल नाइट्रेट। अभी आपसे बोलेंगे ZN आपका लिखा होगा जिंक, जिंक से रिएक्शन आपकी HNO3 से हो रही है, तो आप नहीं बता सकते कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, समझे? मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ZnNO3 होल्ड ट्वाइस, बट आपको नाइट्रोजन का कौन सा कंपाउंड बनेगा वो नहीं आप बता सकते कि N2O बनेगा कि आपका ये वाला कंपाउंड बनेगा। तो आपको समझ में आ रहा, जब वेरी डाइल्यूट कंडीशन होगा तब आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, जब आपका नॉर्मल डाइल्यूट होगा तब आपका प्रोडक्ट ये N2O बनेगा, राइट। क्लियर? समझ में यस आया? तो अभी ये रिएक्शन का मतलब समझिए, इस कंपाउंड पर मेजरली फोकस किया गया, बाकी कंपाउंड क्या बनते हैं उससे मतलब ही नहीं ना आपको। फोकस किस पे किया गया? नाइट्रोजन के कंपाउंड पे। मैंने सिर्फ मेटल नाइट्रेट को हटा दिया आज, क्योंकि सब में बन रहा है, मेटल नाइट्रेट यहाँ भी बनेगा, समझे? तो इसलिए मेटल नाइट्रेट आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता जितना कि नाइट्रोजन के कंपाउंड इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर है?
समझ गए? नाउ लास्ट कैटेगरी आता है आपका कंसंट्रेट एसिड। कंसंट्रेशन का कोई भी कंडीशन हो सकता है, बस ये कंडीशन होना चाहिए वेट बाय वेट जो वॉल्यूम है वो आपका ग्रेटर देन 20% होना चाहिए। समझे? यस। क्लियर है? हाँ ओके। नाउ यहाँ पर आपकी मेटल्स आ जाती हैं, कौन कौन सी? एजी, एचजी, पीबी, सीयू, फिर यहाँ पर जेडन, एफई, यहाँ पर एसएन। नाउ फिर से यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट में आपका क्या निकलेगा बोलो? NO2 गैस निकल रही है, ओके, एंड प्लस मेटल नाइट्राइड। सेम गैस? हाँ सेम गैस। एंड सॉरी, फर्स्ट में आपका इधर पे थोड़ा सा गड़बड़ किया मैंने, ये NO, यहाँ पर NO गैस निकलती है, NO2 नहीं, NO रहता है। सर NO को क्या बोलते हैं? NO, अब आप बताओ NO का नाम क्या होगा? इतना तो आप लोग समझ जाओगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलो मैं बताता हूँ क्या, लाइट सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सबके नाम लिखाता हूँ, ओके, डोंट वरी, पहले आप कंप्लीट कर लो, ओके, जैसे आप आउट ऑफ द चैप्टर जा रहे हो, ओके। चलिए जेड एन और एफ के साथ रिएक्शन करेंगे तब आपका कंपाउंड क्या बनेगा बोलो? यहाँ पर आपका सेम कंपाउंड बनने वाला है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं इन दोनों के लिए आपका कंपाउंड सेम है, राइट? ओके। नाउ हम लोग चलते हैं एसएन के बारे में। एसएन बनेगा H2SNO3 कंपाउंड बनेगा प्लस मेटल नाइट। क्लियर है? समझ में आया आई थिंक सबको? क्लियर हुआ ना? गुड। ओके नाउ अभी आप मुझे बताओ जो आपके NO है, NO2 है, जितने भी ऑक्साइड हैं वो कौन कौन से, क्या क्या उनका नाम होता है? नाइट्रोजन के कितने कंपाउंड होते हैं? चलिए मैं कंपाउंड लिखता हूँ नाइट्रोजन के, आपको ध्यान रखना है, ओके? एक तो NH3 होता है, अमोनिया NH3 होगा, एक होता है आपका NH2 जिसको हम लोग बोलते हैं N2H4, फिर है आपका NH2OH, ये आपका डायरेक्टली OH रहता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दो तो भी सही, फिर आपका है N2, फिर N2O, फिर आपका है NO, फिर आता है आपका N2O3, फिर आपका आता है NO2, फिर आपका आता है NO2 हो गया, इसी को बोलते हैं N2O4, फिर आपका आता है N2O5, ओके, क्लियर है? ये N2O5 आपका आता है HNO3 से, ओके? उसको बाद में डिस्कस करेंगे 12th में जब आएंगे। एनहाइड्राइड समझते हो? नहीं जानते, चलो हटाओ। एनहाइड्राइड यानी बिना वाटर का। यस, अगर HNO3 से आप एनहाइड्राइड निकाल दोगे तो N2O5 बनेगा, मींस ये N2O5 एनहाइड्राइड होता है किसका, एसिड का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर HNO3 लिखा था, समझे? अगर एसिड से आप वाटर निकाल दोगे तो N2O5 बनता है। नाउ अभी मुझे बताओ इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा अमोनिया में? माइनस थ्री। वेरी गुड। नेक्स्ट में है -2, इसमें -1, इसमें 0, इसमें +1, इसमें +2, यहाँ पर +3, +4, +5, that is why HNO3 में आपका +5 आता था, याद है? हाँ। ओके, क्लियर हुआ?
अभी मुझे इन इन सारे के आपको नाम लिख के आना, ये आपके लिए होमवर्क दे दिया मैंने। ओके इतना आप कर लेना यार। ओके सर पहला पहला वाला अमोनिया है, फिर वाला बीच में अमोनिया जीरो वाला नाइट्रोजन, फिर सारे नाइट्रो। आपके। ओके यू कैन फॉलो, किसी बुक से आप लोग देख सकते हैं, कहीं से कर सकते हैं, बट अपने नोट्स में इसको कॉपी कर लेना। ये बेटा 12th का पार्ट है। ओके बट आप लोग अभी सीख लिया आपने, और ये भी आपका 12th का पार्ट है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अगर अभी से याद कर लिया, डेफिनेटली आप जेई एडवांस तक की प्रिपरेशन कर लिए, और जेई एडवांस में एक क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन आ जाता है HNO3 के ऊपर, समझे। हाँ तो मेटल के साथ रिएक्शन आई थिंक कंप्लीट हो गया पूरा। ओके तो अभी हम लोग चलते हैं अपने पुराने ट्रैक पर। ओके तो HNO3 कंप्लीटेड। हाँ यूजेस ऑफ एसिड, एसिड के यूजेस तो आप लोग लिख सकते हो। सर, यूजेस ऑफ एसिड, अभी आपको ऐसे नहीं लिखना है कि इधर इधर यूज होता है, आपको लिखना है कैटेगरीज वाइज। यहां पर बनाना है एसिड, इधर लिखना है उसका यूज। ओके मैं आपके सामने एसिड लिखता हूँ, आपको उसका यूज लिख के आना है। एसिटिक एसिड, फिर आपका साइट्रिक एसिड, नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड, नेक्स्ट है ऑक्सलिक एसिड, नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड, नेक्स्ट है बोरिक एसिड, इनका यूजेस आपको लिख के आना। जो नहीं लिख पाता है नेक्स्ट क्लास में ऐसे पूछे। ओके नाउ अब ये स्टार्ट करना है बेस। सर एसिटिक एसिड तो विनीगर है ना। हाँ विनेगर है तो कुकिंग में यूज होता है, हाँ उसको लिख कुकिंग में सकते यूज होता है सर। एसेटिक को इथेनॉइड भी बोलते हैं ना। हैं। आप लिख सकते हैं। ऑक्सैलिक सर, ऑक्सैलिक एसिड भी यूज होता है मतलब कुकिंग में, टोमेटो में होता है ना। हाँ आप कहीं भी लिख सकते हो ऑक्सलिक एसिड आपका कहाँ पर होता है, इंक रिमूवर भी, जो आपका इंक होता है ना, इंक स्टेन लग जाता है तो वो उसके रिमूव करने के लिए भी काम आता है ऑक्सलिक एसिड। सर वो ओके पहले चाह रहे, वो मतलब खाना बनाने के लिए मतलब कुकिंग के लिए है मतलब। बाकी अब नहीं बताने वाला मैं। ओके नाउ बेस क्या होता है, बेस बताओ। सर एक थ्री बेस में बेस सी पीटर एच से शुरू माइनस होता है। आयन से ओके सो दैट मींस द सब्सटेंस दैट कैपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और मोर एच नेगेटिव ओ एच नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। सर बोरिक एसिड मतलब वो बोरिक पाउडर ही होता है ना। हाँ तो वो कैरम को सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज होता है। नहीं नहीं वो अलग होता है कैपेबल। रिलीजिंग वन और मोर, जो बोरिक एसिड होता है ना वो आई वॉश करने के काम आता है। आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका बेस हो गया। बेस के बारे में ज्यादा कभी डेफिनेशन आता नहीं है तो इतना ही समझ लो। ओके नाउ फिर से मैं यहाँ पर बेस लिख रहा हूँ, बेस का यूजेस आपको लिखना है, उसका फॉर्मूला और केमिकल नेम और कॉमर्शियल नेम मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ओके सो फर्स्ट है आपका NaOH। NaOH का नाम आप लोग जानते हो क्या होता बेटा, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा। इसका यूज आपको
लिख के लाना है, राइट। नेक्स्ट है आपका KOH, क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटाश, इसका भी आपको यूज लिखना है। थर्ड वन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा नाम क्या है? कॉमर्शियल नेम सिलेक्ट लाइम, इसका यूज आपको लिख के लाना है। नेक्स्ट है आपका MgOH होल ट्वाइस, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ MAGNESIA मैग्नीशियम, इसका भी यूज आपको लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट आपका कंपाउंड है AlOH होल्थराइज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी यूज आपको लिखना है। ओके, फिर आपका आता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी यूज आपको लिखना है। क्लियर है? आई थिंक 1 2 3 4 5 6 हो गया काफी। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज। सर वो एक वो कार्बोनिक एसिड रह गया था ना, उसका प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स है यूज। एक सेकंड, क्या बेटा? कार्बोनिक एसिड का यूज प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स है। यस, वेरी गुड। ओके, बाकी सब तो मतलब हो गए। एल्कलीज जानते हो? एल्कली क्या होता है? वाटर सोल्यूबल बेसिस। वाटर सोल्यूबल बेसिस, बेसिस बोलते हैं। वेरी गुड। एल्कली मीन्स है जो आपके वाटर में सोल्यूबल बेस होते हैं। आप लिख सकते हो जिसको नहीं आता है, अदरवाइज ये तो सिंपल सी चीज है, ये तो सबको आता होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसमें प्रॉपर्टीज में सबसे पहले टेस्ट और टच लिख लेते हैं। इस तरीके मीटर होता है, टेस्ट तो आप लिख सकते हो बिटर, टच कैसा होता है? टच मीन्स सोपी। यस, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट ऑन इंडिकेटर, इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर का क्या इफेक्ट होता है? फर्स्ट हो गया, सेकंड, इसमें नंबर लिख लो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड है, इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स। ओके, नंबर वन क्या होगा इसमें? जो आपका रेड लिटमस को ब्लू करेगा, तो मतलब कुछ भी होगा ब्लू ही करेगा लिटमस, रेड लिटमस कुछ भी होगा सबको ब्लू नहीं करेगा। जो एल्कली सॉल्यूशन होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, रेड लिटमस टू, हाँ मतलब रेड लिटमस वाला पार्ट। हाँ, अगर वो ब्लू होगा तो भी ब्लू ही रहेगा ना। हाँ, ब्लू होगा तो ब्लू रहेगा, लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं। अगर आपके सामने मेथिल ऑरेंज दे दिया जाए,
क्या होगा? सर मतलब येलो या फिर रेड होगा लगता है। येलो। ओके नाउ इफ यू गिव यू फिनोक्लीन फिनॉल PHTHALEIN फिनाथिलीन। पिंक होता है कलर। हाँ फिनाथिलीन सॉल्यूशन को पिंक में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स पिंक ही होता है तो पिंक में रहता है। ओके नाउ वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके सामने लिख रहा हूं मैं, आपको पता भी होगा, जो आपका टर्मरिक होता है, टर्मरिक जानते हो, हाँ उसको वो कैसे टर्न हल्दी। करता है? रेड रेडिश ब्राउन ब्राउन मतलब ऐसे रेडिश। रस्ट का कलर होता है। यस ओके फ्रॉम येलो कलर से, राइट? येलो होता है इसका ओरिजिनल येलो कलर से, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। क्लियर है? ओके नेक्स्ट, अभी हम लोग फिर से चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर वन लिखेंगे मेटल के साथ रिएक्शन, फिर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। ओके इस तरीके से चलते हैं। तो नंबर वन लिखेंगे यहाँ पर रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल के साथ क्या क्या रिएक्शन होती हैं? मेटल लाइक जो आपका जिंक हो गया, टिन हो गया, एल्यूमिनियम, दे रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एल्कली लाइक NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, और इवन KOH के साथ भी रिएक्शन करके आपका क्या फॉर्म करेंगे? H2 गैस फॉर्म करेंगे। क्लियर है? कौन कौन सी मेटल है? जेडन बोला मैंने, एल्यूमिनियम बोला मैंने, और SN बोला मैंने। ये तीनों मेटल्स आपकी रिएक्शन करते हैं किससे? NaOH के साथ। ओके दैट शुड बी इक्वल सॉल्यूशन। क्या कंपाउंड बनेगा आपका? फर्स्ट जिंक के लिए कंपाउंड बनेगा Na2 ZnO2। ओके फिर आपका एल्यूमिनियम के कंपाउंड बनेगा NaAlO2। टिन के लिए कंपाउंड बनेगा NaSnO2। ओके एंड साथ में सबके लिए H2 गैस। क्लियर है? नाउ सबके नेम लिख लो नीचे। फर्स्ट में लिखो सोडियम जिंकेट, सेकंड में लिखो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, थर्ड में है स्टेनेट। स्टेनाइट, राइट? तो सोडियम सबके आगे कॉमन है, सोडियम सबसे आगे कॉमन है इस तीनों में। ओके तो इस तरीके से रिएक्शन करके आपका H2 गैस प्रोड्यूस करता है। और भी बहुत सारी मेटल्स होती हैं बेटा, वो चाहे NaOH हो चाहे KOH हो, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारी मेटल्स होती हैं। क्लियर है? रिएक्टिव मेटल्स होना चाहिए जो रिएक्शन करती हैं। आपका कॉपर और गोल्ड और एजी वगैरह ये नहीं होना चाहिए। नाउ नॉन मेटल के साथ क्या रिएक्शन करता है? नॉन मेटल या नॉन मेटल ऑक्साइड? नॉन मेटल तो आपका Cl है ना, तो Na आपका Cl के साथ, NaOH आपका Cl के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लेगा, बनाएगा। यस सर। तो हम नॉन मेटल की बात ना करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करते हैं यहाँ पर। पॉइंट नंबर टू,
रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड. ओके, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन होगी? आप लोग यहाँ पर देखो, जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो बेस होगा, बेस रिएक्ट विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सिंपल है. क्या हुआ बेटा? NaOH प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड. बताओ पहले मुझे, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा? बोलो. पहले तो नॉन मेटल समझो. कार्बन के आगे सब नॉन मेटल होते हैं, कार्बन के पीछे आपके मेटल होंगे. कार्बन के पीछे क्या है? एल्यूमिनियम है, बोरॉन फैमिली आता है ना कार्बन के पीछे. ओके, तो एल्यूमिनियम तो आपका मेटल में चला गया, तो कार्बन और कार्बन का ऑक्साइड आपका नॉन मेटल हो गया. इसके आगे सल्फर होता है, सल्फर नॉन मेटल हो गया. हो गया ना? तो ये आपके नॉन मेटल ऑक्साइड हो गए ना सर. NO2 भी आएगा ना सर. O3 को हम ऑक्सीजन का ऑक्साइड बोल सकते हैं? ऑक्साइड नहीं बोलेंगे उसको, वो ऑक्साइड नहीं है. ऑक्सीजन भी ऑक्साइड नहीं है. ऑक्साइड मतलब O डबल नेगेटिव, ये ऑक्साइड होता है. समझे? हाँ. ये है ऑक्साइड. सोडियम के साथ रिएक्शन करता है ना, तो सोडियम की वैलेंसी 1 और O की वैलेंसी 2. यहाँ पर जब मल्टीप्लाइड करते हैं तो आपका Na2O बनता है, राइट? तो ये आपका ऑक्साइड आयन है. O2 हम लोग नहीं ले सकते, ना O3 ले सकते. ओके, तो हाँ, NO2 जैसा आपने बोला, NO2 भी हो सकता है. वेरी गुड बेटा. CO2. ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? CO2 ले लो. Na2CO3 plus H2O, this is aqueous gas, aqueous. Next है NaOH. अभी एक NaOH हो गया, CaOH ले लेते. प्लस SO2, ये आपका सॉलिड है, दिस इज गैस. When reacted, CA, इसको CaOH को हम लोग लिक्विड ले लेंगे, सॉरी एक्वस ले लेंगे. तो यहाँ पर यह कंपाउंड बनेगा आपका, क्या कंपाउंड बनेगा? CA है तो हाँ, CaSO3 प्लस H2O. ओके, सेम हेयर, CA OH whole twice plus CO2 ले लेंगे, तो यहाँ पर CaCO3 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा. क्लियर है? समझ में आया? ओके, गुड. तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको. एक्शन आपका मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन. ओके, नाउ अभी हम लोग जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका एसिड आपका स्ट्रांग होता है और वीक होता है, उसी टाइप का बेस भी आपका स्ट्रांग और वीक होता है, राइट? हाँ, यहाँ पर बेस की और भी रिएक्शन है आपकी, बट वो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएंगी, वो आपके सिलेबस में अभी फिलहाल के लिए नहीं है. जैसे मैंने आपका मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कराया, तो जो सोडियम होता है, NaOH होता है ना बेटा, NaOH आपका जब Cl2 के साथ रिएक्शन करता है ना, तो Cl2 के साथ रिएक्शन करने की दो कंडीशन हो जाती है आपके, जो आपके अभी सिलेबस में नहीं है. ये JE का पार्ट है इसलिए मैंने नहीं बताया. NaCl तो एक प्रोडक्ट बनता ही है दोनों केस में, यहाँ भी NaCl बनेगा, यहाँ भी NaCl बनेगा, बट एक होता है हॉट एंड कंसंट्रेट फॉर्म, कोल्ड एंड डाइल्यूट फॉर्म. ओके,
जब हॉट एंड कंसंट्रेट लेते हैं तब आपका जो मेजर कंपाउंड बनता है दैट इज NaCLO3 बनता है। ओके, और यहाँ पर आपका कंपाउंड बनता है NaCLO बनेगा। ओके, एंड रिमेनिंग आपका कंपाउंड अगर H2O है तो आप H2O बना दो, आपका बन रहा है तो। ओके, ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें भी आप 5 स्टार मार्क कर सकते हो, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं। ओके, जो ये टेबल बनवाई थी आपको वो भी आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी, ये टेबल किधर गई है, समझे? ओके, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, याद रख। तो इसलिए मैंने नहीं बताया, बाकी रिएक्शन और भी हैं बट वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी आपको बताएंगे, आपके एग्जाम में कभी नहीं आने वाला 10th स्टैंडर्ड तक, तो आप बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं कुछ कैसा पढ़ा दिया। जो आपके सिलेबस में मैंने उतना अभी तक बता दिया। ओके, अगर ज्यादा पढ़ना है तो ज्यादा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपको बस एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, चैप्टर ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हाँ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग और वीक बेस कैसे डिफाइन करोगे बोलो? चलिए पहले स्ट्रॉन्ग डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग कैसे डिफाइन करोगे? Completely dissociated into their respective ions. ओके, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ओके, या बेसिकली हम और सिंपल टर्म्स में बोलेंगे, डिसोसिएशन आएगा या आयनाइजेशन आएगा। वी कैन से दैट अ बेस दैट कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे विच रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो रिलीज हो जाते हैं सारे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर। ओके, तो यहाँ पर लिख लो डेफिनेशन। ओके, बेस कंटेन वन और मोर OH ग्रुप विच रिलीजेस इन एक्वस सॉल्यूशन अपॉन आयनाइजेशन। ओके, बेसिस विच रिलीज और विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज इन वॉटर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। आई थिंक क्लियर हो गया वो डेफिनेशन, राइट? बोलो, गुड। ना तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेम एग्जाम्पल यहाँ पर नोट डाउन कर लो। NaOH वाटर है आपका, आयनाइजेशन करेंगे आप, Na पॉजिटिव बना प्लस OH नेगेटिव बना आपका, इक्वल सॉल्यूशन।
सिमिलरली आपका के ओ एच है, वाटरली आपका के पॉजिटिव इक्वस प्लस ओ एच नेगेटिव इक्वस, राइट? क्लियर है? यस सर। ना अभी यहाँ पर बोथ जो आपके एन ए ओ एच और के ओ एच होते हैं दे आर डेलिक्वेसेंट इन नेचर, समझे? ये पॉइंट आप लोग ने लिख लो यहाँ पर, समझ जाओगे आप आई थिंक। डेलिक्वेसेंट मीनिंग जानते हो? एन ए ओ एच एंड के ओ एच आर डी ई एल आई डेलिक्वेसेंट, वेरी गुड, ओके। टी यू ई एस विच डेलिक्वेसेंट इन नेचर विच मीन्स दे एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड गेट आयनाइज्ड। पॉइंट समझ में आया? जनरली हमको इस चीजें मिलते हैं एनएवएच और केओएच, इस फॉर्म में आपको बहुत कम मिलता है, अगर आप रख दोगे तो इस फॉर्म में आ जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया है? आई थिंक हम वीक वेज भी देख लेते हैं। अभी हम वीक वेज डेफिनेशन यहाँ पर लिखो, वीक वेज क्या होगा? Produces a low concentration of OH. OH को क्या बोलते हैं बेटा? OH ions या hydroxyl ion. Okay. On dissolving in water, okay, known as or called weak ways, right? समझ में आया? Weak ways का example लिख लो यहाँ पर, example CA OH fold twice NH4 OH, ये भी आपका weak base होता है, except clear है? समझ में आया? Okay. Yes. Okay. Now इसके बाद आपका जो पॉइंट है, हम लोग पॉइंट कंडक्टिंग नेचर भी लिखे थे, कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, ओके। कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिड एंड बेस solutions, ओके। एसिड और बेस सॉल्यूशंस का जो कंडक्टिव नेचर होगा वो आपको देखना है। तो ऑल ऑफ यू नो दैट एसिड्स जो होते हैं विच कंटेन वन और मोर एच प्लस आयन, राइट? यस। ओके,
नाउ जब इनके पास एच प्लस आयन होते हैं, सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेस के लिए, सो दे ऑल्सो कंटेन ओ एच नेगेटिव आयन्स। ओके क्लियर है ना? तो सिंस आयन्स आर कैरीज ऑफ चार्ज, जो आयन्स हैं दोनों में चार्ज आपके कैरीज हैं। ओके एंड इन एक्वस सॉल्यूशन बोथ एसिड और बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, बिकॉज एसिड के पास भी चार्ज होता है और बेस के पास भी चार्ज होता है, और ये चार्ज आपका इस तरीके से मूवेबल होता है, राइट? इसका एक एक्सपेरिमेंट है, अगर एक्सपेरिमेंट आप समझोगे तो चलिए मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको बना के बताता हूँ। ओके ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे इन द सेंस। ओके तो ये आपका इलेक्ट्रोड हुआ इस तरीके से, आप इधर पे इलेक्ट्रोड लगा लीजिए। ओके एंड ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन करके इस तरीके से जाएगा इधर से वायर। ओके अभी आप देखो, ये आपके सामने ग्लास एक वीकर है, एक आपके सामने। ओके
जिसमें आपका एसिड सॉल्यूशन, जो आपका एसिड सॉल्यूशन इन वाटर पड़ा हुआ है यहाँ पर। ओके, इसमें आपका क्या क्या पड़ा हुआ है, लेट मी चेंज। ये आप तो आपका बल्ब है, पहले आप ये समझ लो, दिस इज बल्ब। ओके, एंड दिस इज हेयर, आपका एक बैटरी लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है 6 वोल्ट समझ लो आप। ओके, द बैटरी, एक आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। ओके, 6 वोल्ट डीसी बैटरी लगा हुआ है। इलेक्ट्रोड्स, ओके, एसिड सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पर आपका इस तरीके से लगा। नाउ अभी देखो, इन अ ग्लास बीकर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या लिया गया है, एक एसिड लिया गया। पहले कहानी सुनो आप, क्या है, सबसे पहले ग्लास बीकर में एसिड लिया गया है। लेट से एसिड आपका HCl एसिड है। ओके, हम लोग बात करते हैं HCl एसिड। ओके, इन अ ग्लास सॉल्यूशन HCl एसिड है। नाउ टू स्मॉल नेल आपकी लगाई जाती है ऑफ आयरन इन द रबर कॉर्क। ये आपके पास क्या है, रबर कॉर्क है। ओके, इस रबर कॉर्क में ये आयरन की रॉड लगाई है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं अभी के लिए। क्लियर है, आयरन की रॉड। रबर कॉर्क क्यों डाला है उसमें? रबर कॉर्क क्योंकि दोनों टच ना कर जाए आपस में, फिर तो मतलब कोई मतलब ही नहीं ना। लेकिन हैंग भी कर सकते हो ना, फिक्स हाँ, करके। हैंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भी कर सकते हैं, मतलब फिक्स रहे इसलिए, दोनों टच ना कर पाए आपस में। अगर मान के चलो सिस्टम हिलता है तो इसलिए हैंग भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो रबर कोर का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। ओके ना, और उस रबर कोर के ऊपर आपने जो नेल लगाया, अब उसको हटा भी सकते हो, जो नेल लगी है उस नेल के ऊपर आपने एक बैटरी कनेक्टेड कर दी है। ओके, छोटा सा बैटरी कनेक्ट किया। नाउ जो आपका बैटरी से आपका एक सोर्स बल्ब, जो बल्ब लगा दिया लाइट, लेफ्ट में आप देखो ये साइड बल्ब लगा हुआ है। ओके, नाउ जैसे आप स्विच ऑन करते हैं करंट, एंड बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, मींस बल्ब आपका जलने लगता है। ये यहाँ पर आपका सोर्स, सॉरी, यहाँ पर आपका ये एक कनेक्शन लगा हुआ है इस तरीके से, टच रहता है। ओके, सो जैसे आप स्विच ऑन करते हो करंट, बल्ब आपका जलने लगता है, मींस स्टार्ट ग्लोइंग। ओके, एंड दिस शोज दैट द इलेक्ट्रिक करंट हैज पास थ्रू द एसिड सॉल्यूशन। मींस अगर मैंने यहाँ से करंट दिया, आप ये समझो, अगर यहाँ से करंट दिया तो ये करंट इधर से इधर तक जाएगा, इधर से इधर तक आएगा, इस बल्ब से होते हुए इधर तक जाएगा, इधर तक जाएगा, इधर से सॉल्यूशन से होते हुए वापस इधर तक आएगा। राइट, समझे मेरी बात कि नहीं? यस सर। ओके, जब ये साइकिल पूरा होता है तभी ये बल्ब जलेगा, या तभी तो करंट पूरा पॉसिबल होगा, फ्लो होगा। अगर साइकिल पूरा नहीं होता तो करंट जाएगा ही नहीं, समझे? क्लियर हाँ है ना? तो ये चीज आई थिंक यस। आप लोग क्लियर हो गए। इसका मतलब वी कैन से दैट कि इस सॉल्यूशन में आपका करंट पास कर जा रहा है, राइट? सॉल्यूशन में करंट पास कर जा रहा है। नाउ अभी आपको पता लग गया कि सॉल्यूशन में करंट पास कर जा रहा है, तो एज द करंट इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस, करंट किससे चल रहा है आपका इसमें, ये तो आपको पता लग गया, मूवमेंट ऑफ आयंस एच प्लस और ओ एच नेगेटिव से आपका मूवमेंट हो रहा है। ओके, नाउ अभी इस केस में एच प्लस है यहाँ पर, तो एज मूवमेंट ऑफ आयंस दिस शोज दैट द HCl एसिड, HCl एसिड आयनाइज होगा तभी तो एच प्लस आयन देगा। जैसे एच प्लस आयन देगा तो एच प्लस आयन देगा तो साथ में सी एल निगेटिव आयन भी होगा ना। इस सॉल्यूशन में आपका सिर्फ एसिड की बात कर रहा हूँ, सेम आप बेस के साथ भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर एच प्लस आयन है और सी एल निगेटिव आयन भी होगा। ओके, जब करंट पास होगा तो वहां से एच प्लस आयन जो रिलीज होंगे इन एक्वस सॉल्यूशन, सिमिलरली आपका NaOH और KOH वगैरह, उसमें भी आपका OH आयन रिलीज हो जाते हैं, जिससे करंट पास हो सकता है। क्लियर है, समझ में आया?
तो करंट पास कैसे होता है, हम लोग पूरा इतना सारा कहानी का हम लोग समरी देख सकते हैं। एसिड के लिए जो होता है वहां पर आपके, या एसिड लिख सकते हैं, एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए H+ आयन, और जो आपका बेस होता है बेसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज OH- आयन। जिसका जितना अच्छा आयनाइजेशन होगा वो उतना अच्छा करंट पास कर पाएगा और उतना अच्छा कंडक्टर होगा। मींस जो जितना आयंस रिलीज कर पाएगा ना जल्दी, कम टाइम में रिलीज कर देगा, मतलब अच्छा। अगर नहीं कर पाता दैट मींस वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो पा रहा सही से। समझ गए? क्लियर हाँ है सर, ना? यस ना अगर हम लोग लें ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लें, एथिल एल्कोहल ले लें, तो क्या ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, बोलो। नहीं जलेगा क्यों? क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होते। C6H12O6, इसमें भी तो आपका H और OH आयन्स लगे रहते हैं ना, एक तरफ H इस तरफ OH। ग्लूकोज लें और एथिल एल्कोहल, C2H5OH, अगर ये दोनों लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, बल्ब विल नॉट ग्लोइंग, बल्ब आपका नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? बिकॉज ये आपके H+ और OH- नहीं दे पाते। क्लियर है? समझ गए बेटा? हाँ सर, समझ। गुड, तो आई थिंक हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं अभी। हाँ, ये चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट और रह गया है कि अभी वाटर, अब जो आयनाइजेशन होता है ना, वाटर का क्या रोल होता है आयनाइजेशन में, वो आपको बताना है। आई थिंक वो आपको थोड़ा सा पढ़ के आओ, कोई भी बुक पढ़ लो आपको मिल जाएगा, NCERT आप पढ़ लो 10th का मिल जाएगा वहां पर। क्या बताना मुझे, रोल ऑफ वाटर इन आयनाइजेशन, ये मुझे कंप्लीट करना है। 5 to 10 मिनट्स का टॉपिक है, ओके, हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आओ घर से, और साथ में आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है, आपको कंपेरिजन करना है एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज में। एक टेबल बना करके 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स लिख के लाना है, ऐसे टेबल बनाना। इस तरफ एसिड रहेगा, इस तरफ बेस रहेगा, ऐसे 5 पॉइंट्स लिख के लाना आप लोग। ओके, लिख के लाओगे या फिर मुझे सेंड कर दोगे तो भी सही है। क्लियर है ना? इतना आप लोगों को करके लाना है, राइट? यस सर। ओके, सो अभी 1 सेकंड हम लोग देख लेते हैं कहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर्स। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था हम लोग कंडक्टिंग नेचर यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। हमने बोला था सेकंड लेक्चर में आपका ये चीज हो जाएगा, थर्ड लेक्चर में ये चीज हो जाएगा, तो हमने सेकंड और थर्ड दोनों को कंबाइन करके रोल ऑफ वाटर में आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है सारा कुछ खत्म कर दूंगा एक बार में, या फिर उसको 2 लेक्चर में पार्टिसिपेट करूँ। ओके, और इसी लेक्चर के बाद मीन्स नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं आपको सीट सेंड कर दूंगा, तो सीट आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, हाँ सर, तो चैप्टर अभी नेक्स्ट क्लास में मे भी कंप्लीट हो जाएगा 90%। ओके, तो आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। ओके, सो शैल वी स्टॉप हियर, हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। ओके, बाय यस सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर।